नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ी लिया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि हनुमान जी के ताकत की राज क्या थी, हनुमान जी किस वजह से इतने ताकतवर और इतने बलवान थे और इतने बुद्धिमान कैसे हुए, कारण क्या था। उस कारण को समझाते हुए समझ लीजिए कि हमारे वेद पुराण भी यही बखानते हैं, जो भी वो बोले हैं वेद पुराण में जो लिखा गया है उन्हीं हिसाब से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये मानकर चलिए आपके हनुमान चंद्र जी के अंदर जो भी ताकत थी वो कारण एक ही था। कारण तो सबसे पहली कारण यदि आप देखा जाए तो भक्ति उनमें अटूट थी श्री रामचंद्र जी के प्रति, इतनी भक्ति थी। वो भक्ति भी आप ये मान के चलिए कि भक्ति से भी आपके अंदर निश्चित तौर पर बल की वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता की वृद्धि होगी, आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको जो जो सुलभ साधन प्रयोग में आने वाली हैं उन सभी साधनों की वृद्धि निश्चित तौर पर होगी यदि आपके अंदर भक्ति होगी तो। लेकिन ये कारण जो है इससे भी बड़ा कारण था कि हनुमान चंद्र जी अखंड ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके अंदर वो शक्ति थी। आप मानकर चलिए कि एक प्रसंग आता है रामायण में कि हनुमान चंद्र जी के अंदर कितना बल था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाली जो था कोई भी पूरी पृथ्वी पर उसे हराने वाला नहीं था। ये मानकर चलिए कि रावण भी जब उसके सामने गया था तो 6 महीने कांख मर वो दाब कर अपना पूजा करता रहा, और वो सिस्टम ऐसा था कि इतना बल कि वो जिसे देख ले सामने से उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। मान के चलिए हमारे पास 1 पॉइंट बल है, आपके पास 1000 पॉइंट बल है, लेकिन हमारे पास वो ताकत है कि हम आपके आप हमारे सामने आएंगे तो हम आपकी आधी शक्ति खींच लेंगे। तो अब आपसे 1000 में से 500 हमने ले लिया और हमारे पास 1 पॉइंट है तो 501 हमारे पास हो गया, और आपके पास 500 ही बचेगा तो हम आपको मार देंगे। ये ताकत थी वाली में, कोई भी उसके सामने से उसे मारने वाला नहीं था। लेकिन जब उनका आमना सामना हनुमान जी से हुआ था उस समय का प्रसंग बताया जाता है कि ऋषि तुरंत आए, ऋषि मुनि, और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप अपनी सारी शक्तियों को लेकर बाली के पास मत जाइए युद्ध करने के लिए। बाली ललकार रहा था युद्ध करने के लिए हनुमान जी को, तो ऋषि के कहने पर वो अपने सौवा भाग को, अपने सौवा भाग को, अपनी शक्ति के सौवा भाग को लेकर बाली के सामने जाते हैं। और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि बाली जैसे ही उनकी आधी शक्ति अपने में लेने का प्रयास करता है बाली का शरीर फटने लगता है। बाली का शरीर बिल्कुल चारों तरफ से इतना जैसे इतना बल कि वो अंदर समा नहीं रहा था बाली के पास। बाली हाथ जोड़कर बोलता है कि आप हमारे सामने से हट जाइए, हम युद्धम नहीं करना चाहते, मैं हार मान लिया ये समझ लीजिए, क्योंकि वो फट जाता, ख़त्म हो जाता वहीं पर। इतना ताकत, तो इतना ताकत कैसे आया था? ये ब्रह्मचर्य की शक्ति थी मेरे प्रिय बंधुओं। ब्रह्मचर्य इसलिए ब्रह्मचर्य की शक्ति थी कि हनुमान चंद्र जी शुरू से लेकर लास्ट तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए उनमें इतना ब्रह्मचर्य की शक्ति से बल जो है, और बल के साथ साथ बुद्धि भी देख सकते हैं कि कितनी तीव्र बुद्धि है। इतना तीव्र बुद्धि उस समय रामायण में हमें लगता है रामचंद्र जी को छोड़कर वानर के रूप में जन्म लिए, जो कि एक समझ लीजिए कि भोग श्रेणी में उन्होंने जन्म लेकर इतना ज्ञान प्राप्त किया कि आज के तथाकथित पूरे संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लायक हो। ये मानकर चलिए आप इस समय, पहले छोड़िए, पहले तो थे रामचंद्र जी थे और भी वहाँ पर बहुत से नरश्रेष्ठ थे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हनुमान जी में इतना अधिक यदि कुछ भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य और भक्ति के कारण था। भक्ति का एक हम आपको और प्रसंग ये बता दें कि भक्ति के हिसाब से शक्ति जो मिलती है वो आप जानकर हैरान होंगे कि महाभारत में गांधारी माता दुर्योधन की माता थी, जब सभी पुत्र 99 पुत्र मारे गए तो गांधारी विचलित हो गई बिल्कुल कि अब हमारा एक भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा, तो बिल्कुल उन्हें गलत लगने लगा कि नहीं अपने पुत्र को ऐसा कर दी जाए कि ये अजय हो जाए, मरे ना। वो कभी भी आशीर्वाद नहीं दिया था विजय का, नहीं विजय का आशीर्वाद देते ही दुर्योधन विजय को प्राप्त करता है। ये मानकर चलिए ये ताकत थी भक्ति की। वहाँ पर भक्ति का ताकत बखान करते हुए महाभारत में लिखा गया है कि गांधारी जी ने अपने पुत्र से कहा कि आप नग्न अवस्था में हमारे पास आइए और हमारी आँखों से गुजर जाइए, आँखों के सामने से हम आपको देखेंगे एक बार, और जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़ेंगे वो आपका वज्र हो जाएगा। दुर्योधन गया, गंगा स्नान करके आया, बीच में कृष्ण जी मिल गए और वो समझा दिए कि माता के सामने इस अवस्था में आप नग्न जाओगे, इतने बड़े अवस्था में आप नग्न जाओगे, किस हिसाब से आप
कौन सा नर आप वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा भड़का दिए। और वो भड़क कर गया, केला का पत्ता लगाकर माता के पास गया और गांधारी माता ने अपना जो खोला तो तब से जब से उनका विवाह हुआ था तब से वो अपने आँखों पर पट्टी बांधी थी और सिर्फ शिव जी का वो पूजा करती थी। उसके बाद उन्होंने देखा, एक एक लक्ष्य से उन्होंने देखा दुर्योधन के शरीर को और दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया जहाँ जहाँ था। अब जहाँ केला का पत्ता था वो बोलने लगी कि तुमने ये क्या कर दिया, जो भी केला का पत्ता जहाँ भी लगाए हो वो आपका क्षेत्र जो है बिल्कुल नम्र रह गया, जैसा था वैसा रह गया। वहाँ पर कोई घात करेगा, वहाँ पर कोई मारेगा तो निश्चित तौर पर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। वैसे यदि वैसे आते जैसे मैंने कहा था तो निश्चित तौर पर तुम अजेय हो जाते, कोई मारने वाला नहीं रह जाता। जब तुम मरना चाहते तभी मर सकते थे, इसके अलावा कोई मारने वाला नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि भक्ति जो थी उनकी, उस सारी की सारी भक्ति उन्होंने दुर्योधन के पास डाल दी। उनका कहना था शंकर जी से कि प्रभु, जो भी मैंने आज तक भक्ति किया है, जो भी आपका आपके सेवा में हमने अपना जीवन दिया है, सभी का सभी पुण्य फल हमारे लाल के अंदर चला जाए और वो इस हिसाब से हो जाए कि उसे कोई मार ना सके। दुर्योधन दोबारा कहता है कि माता श्री, हम ऐसा ऐसा सुन लिए, कृष्ण जी बोल दिए। अब कृष्ण जी तो नहीं बोलता था, वो यादव बोलता था, ग्वाला बोलता था कि ग्वाले कहने पर हमने ऐसा कर दिया। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं दोबारा आ रहा हूँ, आप मुझे दोबारा देख लीजिए। तो वहाँ पर बोलती हैं कि दोबारा क्या, मैं सारी शक्तियाँ जो भी अपनी भक्ति से एकत्रित किया था एक साथ तुम्हें ट्रांसफ़र कर दी, अब हमारे पास क्या है, होनी को कौन डाल सकता है, जाओ। फिर पट्टी बांध लेती हैं और उसके बाद दुर्योधन जाता है लड़ने, आप सबको पता है मारा जाता है। तो ब्रह्मचर्य की ताकत जो थी, आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य का ताकत वहाँ पर गांधारी जी ने भी निभाया था। वो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। गृहस्थ जीवन में ये नहीं होता कि गृहस्थ जीवन में संध्या सुबेरे दोपहरे तीन टाइम आप लोग भोग विलास में लगे रहो और भोग विलास करते रहो, 24 घंटा माया में पड़े रहो। अरे उस हिसाब से नहीं होता, भोग विलास का एक क्षण होता है। शास्त्र आज्ञा करता है कि सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि रात्रि काल में हो सकता है, और यदि आप रात्रि काल के साथ साथ एक ही ऐसा होता है समय, उस समय जैसे आप देख सकते हैं कि जानवरों में होता है, उस हिसाब से 24 मास करने की 12 मास करने की ज़रूरत नहीं है। 12 मास जो कर रहा है वो तो अपने आप को निश्चित तौर पर इतना नीचे ला देगा कि वो सोचने समझने की क्षमता तक खो देगा अपना। तो इस हिसाब से आप समझिए कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तभी आपके अंदर ज्ञान और बल की पुष्टि हो सकती है। और प्रभु हनुमान जी जैसा यदि आपको करना है तब तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जो कि हम लोगों से होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों से पहले गलती हो चुकी है। आप एक काम करिए कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर अगले को अग्रसित करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।